हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है विकास थ्री वन टैग तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पेटीएम बिजनेस अकाउंट के बारे में अगर आप कोई शॉप है आपकी कोई या फिर आप कोई छोटा मोटा बिजनेस करते हो तो उसमें आप जो कस्टमर से पैसे रिसीव करते हो उन पैसों को रिसीव करने के लिए आप पेटीएम बिजनेस अकाउंट का भी यूज़ कर सकते हो तो आज के इस वीडियो में मैं आपको यही सिखाऊंगा कि आप पेटीएम बिजनेस अकाउंट कैसे क्रिएट कर सकते हो और उससे आप फिर क्यू कोड को कैसे जनरेट कर सकते हो जो आप अपने फ्रेंड्स को भेजोगे या कस्टमर को दोगे वो स्कैन करके आपको पे करेगा तो उसकी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मैं देने वाला हूँ तो वीडियो को पूरा लास्ट तक ज़रूर देखिएगा वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो इसे प्लीज़ सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें ताकि आपको मेरी आने वाली नई नई वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं तो फ्रेंड्स हम आ चुके हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं मैंने मोबाइल फ़ोन ले रखा है हाथ में और इसमें हमें सबसे पहले प्ले स्टोर से पेटीएम फ़ॉर बिज़नेस एप्लीकेशन को अपने फ़ोन के अंदर डाउनलोड कर लेना है उसके बाद हमें डाउनलोड करने के बाद हमें इस एप्लीकेशन पे क्लिक करके इसे ओपन करना है ये हमें नोटिफिकेशन के लिए बोल रहा है तो इसको अलो कर देंगे यहाँ अलो पे क्लिक करके उसके बाद यहाँ पे यह हमें लैंग्वेज सेलेक्ट करने के लिए बोल रहा है तो जौन सी आपको सूटेबल लगती है वो रख सकते हैं आप मैंने इंग्लिश ही चूज़ कर ली है उसके बाद यहाँ पे ये गेट स्टार्टेड का ऑप्शन है इसके ऊपर हमें क्लिक करना है यहाँ पे आपको ये लॉग इन करने के लिए बोलेगा और क्रिएट ए न्यू अकाउंट के लिए बोलेगा तो आप इसमें अपने मोबाइल नंबर से लॉग इन कर सकते हैं यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है और फिर प्रोसीस प्रोसीड सिक्योरली पे क्लिक करना है तो मैं यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डाल देता हूँ उसके बाद आपको ये प्रोसीड सिक्योरली इसके ऊपर क्लिक कर देना है इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये आपका पेटीएम का पासवर्ड भी मांगेगा तो मैं यहाँ पे जो मैंने पेटीएम में पासवर्ड था वो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ ये बोल भी रहा है पेटीएम एंड पेटीएम फॉर बिजनेस ऐप पासवर्ड आर सेम तो यहाँ पे हम वो पासवर्ड डाल देंगे उसके बाद यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर देना है तो सबमिट पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अब दोबारा लैंग्वेज पूछ रहा है तो हम इंग्लिश ही रखते हैं उसके बाद यहाँ कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे लैंग्वेज सेलेक्ट हो गई उसके बाद ये हमसे बोल रहा है गेट आल इन वन क्यू आर एक्सेप्ट पेमेंट फ्रॉम पेटीएम वैलेट आल यू पी आई पेमेंट एप्स क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड्स ठीक है तो इसमें यहाँ हमें क्यू आर कोड जनरेट करने के लिए बोल रहा है तो यहाँ पे हम लिखेंगे गेट यूर ऑल इन वन क्यू आर कोड इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे ये यह हमसे पूछ रहा है कि हमारा बिज़नेस नेम क्या है बिज़नेस कैटेगरी क्या है बिज़नेस सब कैटेगरी क्या है और यहाँ बैंक की डिटेल हैं ठीक है, है? यहाँ पे हमसे बोल रहा है गेट यूर क्यू आर एंड फ्यूचर अपडेट्स वाया व्हाट्सअप तो अगर आप यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो ये व्हाट्सअप पे भी भेज देगा आपके जो भी अपडेट्स आएंगी ठीक है तो हम यहाँ पे अपना बिज़नेस नेम बिजनेस कैटेगरी और बिज़नेस सब कैटेगरी ये ऐड कर लेते हैं उसके बाद हम इसे स्क्रोल डाउन करेंगे और यहाँ पर जो प्रोसीड लिखा हुआ है इसके ऊपर क्लिक कर देंगे इससे पहले मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ ये लोकेशन तो ऑन रखनी है आपको इसमें एल पे क्लिक कर देना है इसके बाद आप ये देख सकते हैं यहाँ पे ये कुछ सेकंड्स में आपका जो क्यूआर कोड है वो जनरेट हो जाएगा फोर्टी एट सेकेंड्स हैं वेट कर लेते हैं थोड़ा सा ये हमसे बोल रहा है कि आप ये जनरेट करना चाह रहे हैं तो इसे एक्टिवेट अपने जो वैलेट है इसका वो आपको एक्टिवेट करना पड़ेगा जो इसका पेटीएम वैलेट है ठीक है इसको एक्टिवेट पे क्लिक करेंगे हम और यहाँ पे हमसे ये कुछ डिटेल मांगेगा हमारी पर्सनल तो यहाँ पे हमें पिन कोड डालना है अपना एड्रेस डालना है सिटी और स्टेट डालनी है यहाँ पे, यहाँ पे वेरीफाई योर आइडेंटिटी करनी है ठीक है यहाँ नीचे पेन नंबर डालना है और तो मैंने ये सारी चीज़ें फिलअप कर दी हैं उसके बाद यहाँ पर प्रोसीड पर क्लिक करना है प्रोसीड पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे ये फिर से काउंट डाउन स्टार्ट हो गया है तो हमें थोड़ा सा हमें वेट करना पड़ेगा कॉन्ग्रेचुलेसन भी आ गया है हमारा ये एक ही एक्सेप्ट हो गई है हमारे वैलेट भी एक्टिवेट हो गया है उसका मैसेज आ गया है तो यहाँ पे थोड़ा सा वेट कर लेते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सबमिट हो गया थैंक यू हो गया उसके बाद ये जो भी नोटिफिकेशन आ रही है इसको नेक्स्ट करते जाएंगे नेक्स्ट कर दिया ठीक है ये हमारा आप देख सकते हैं यहाँ पर ये भी नेक्स्ट कर देंगे इसको भी डन स्क्रॉल डाउन टू सी बिजनेस सर्विस यहाँ पे आप बिजनेस सर्विस देख सकते हैं अपनी यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे पेमेंट्स आ जाएंगी आपकी यहाँ पे ये सेटलमेंट आ जाएगा ठीक है यहाँ पे ये यह सारी चीज़ें आ जाएंगी ये आप देख सकते हैं ठीक है ये हमारा जनरेट हो गया अकाउंट यहाँ पे आपका नाम और आपके बिजनेस जो अकाउंट नंबर है पेटीएम से लिंक है जो वो डिटेल आ जाएंगी इसके बाद इस आइकन पे क्लिक करेंगे यहाँ पे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपकी सारी नीचे सेटिंग्स आ जाएंगी और ये आपका वो क्यू कोड है जो अभी हमने जनरेट किया है तो आप इसे किसी भी अपने फ्रेंड्स को या रिलेटिव को या फिर किसी कस्टमर को भेजेंगे तो वो उसे स्कैन करके आपको पेमेंट कर देगा ये वो कोड है जो हमें उसे भेजना है ठीक है ये क्यू कोड है उसके बाद अगर आप इस क्यू कोड का डिस्प्ले नेम चेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको इसमें जाना पड़ेगा नीचे मैनेज क्यू में इसके ऊपर क्लिक करना है उसके बाद आपके सामने कुछ ऐसी स्क्रीन ओपन हो जाएगी ये जो नीचे नाम देख रहे हैं आप इसे अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो इसमें आपको स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पे आप देख सकते हैं क्यू आर कोड डिटेल्स यहाँ पे ये एडिट का ऑप्शन आ रहा है इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे आप अपनी आईडी चेंज आईडी है ये आपकी यहाँ पे ये डिस्प्ले क्यूआर नेम है यहाँ से आप अपना नाम कुछ भी चेंज कर सकते हैं और फिर डन कर सकते हैं इसको डन करने के बाद अगर आपको ये चेंज करनी है तो उसमें आपको पी ओ एस आई डी देनी पड़ती है इसकी अगर आपके पास पी ओ एस आई डी है फिर तो आप कोई भी नाम चेंज करके यहाँ पे डाल सकते हैं और फिर उसे यहाँ पे सेव कर सकते हैं अगर आपके पास ये आई डी नहीं है तो आप इस नाम को चेंज नहीं कर सकते उसके बाद यहाँ से बैक आ जाना है और फिर यहाँ से भी बैक आ जाना है यहाँ पे आ जाना है उसके बाद आपको यहाँ पे एक ही ऑप्शन मिल जाता है शेयर क्यूआर कोड तो यहाँ से आप अपने फ्रेंड्स को भेज सकते हैं किसी को भी जिसको चाहें यहाँ से शेयर पे क्लिक करके व्हाट्सएप पे ठीक है तो इस तरीके से आप अपना पेटीएम बिजनेस अकाउंट जनरेट कर सकते हैं और उसके बाद उसमें आप क्यू कोड अपना जनरेट कर सकते हैं जिससे आप अपने पेमेंट्स को मैनेज कर सकते हैं तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गई होगी आपको क्यूआर कोड जनरेट करना भी आ गया होगा तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें थैंक यू